नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त कब जारी होगी, क्या है सरकार का प्लान, आइए जानते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अभी तक इस योजना के तहत किसानों को 16वीं किस्त जारी की जा चुकी है। पीएम किसान के तहत मोदी सरकार किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार सालाना 60,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। अंतरिम बजट के मुताबिक इस योजना में 11 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान की गई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक योजना के तहत किस्त की रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगले महीने जून में 17वीं किस्त जारी हो सकती है, यानी लोकसभा चुनाव के बाद देश के किसानों के खातों में 2000 रुपये की रकम सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनकी आय को बढ़ाना है। पीएम किसान योजना में सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये ट्रांसफर करती है। हर 4 महीने में 2000 रुपये किसानों को ट्रांसफर किए जाते हैं। 28 फरवरी को 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम डायरेक्ट ट्रांसफर की गई थी। जल्द घोषित हो सकती है 17वीं किस्त की तारीख। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 16वीं किस्त जारी की गई है और किसानों को इस योजना के तहत फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 17वीं किस्त की घोषणा जून 2024 के आखिरी सप्ताह या जुलाई में हो सकती है, हालांकि इसमें कोई निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय किसानों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। जून में होंगे 5 बड़े बदलाव लागू होंगे, कई नए नियम आमजन की जेब पर पड़ेगा असर। आपको बता दें, जून महीने की शुरुआत में केवल 1 हफ्ते ही बचे हैं। अगले महीने कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। ट्रैफिक, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस सिलेंडर और बैंकिंग से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। इन नए नियमों में किसी को फायदा होगा तो झटका भी लग सकता है। LPG गैस सिलेंडर के कीमतों में बदलाव। हर महीने की 1 तारीख को LPG गैस सिलेंडर के कीमतों में बदलाव होता है। 1 जून को तेल कंपनियां LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें निर्धारित करेगी। बता दें, 1 मई को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 19 रुपये कटौती की गई थी। ट्रैफिक से जुड़े नए नियम। 1 जून से परिवहन से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तेज स्पीड में गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का लग सकता है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का भरना होगा। हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने वालों को 100-100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। DL के लिए नहीं पड़ेगी RTO जानने की जरूरत। ड्राइविंग लाइसेंस जुड़े नए नियम में भी 1 जून से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए व्यक्ति को RTO ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार उन संस्थाओं को भी सर्टिफिकेट प्रदान करेगी जो ड्राइविंग सिखाते हैं, ऐसे में RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाबालिग के लिए सख्त होंगे ट्रैफिक नियम। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाबालिगों के लिए यातायात नियम सख्त हो सकते हैं। 25 बरस से कम उम्र वालों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। यदि 18 साल से कम उम्र के लोग वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें 25,000 रुपये तक का जुर्माना बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस 18 वर्ष की उम्र होने पर ही जारी होता है। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून महीने के लिए बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी कर दी है। अगले महीने 10 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। साप्ताहिक अवकाश के कारण 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। 125 रुपये बोनस दिया, 3 बार तारीख बढ़ाई पर गेहूं खरीदी के टारगेट से पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार परेशान है। केंद्र सरकार ने उसे इस साल 80.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया है, लेकिन ये लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। इसके बावजूद MSP पर गेहूं बेचने के लिए बहुत ही कम किसान सरकारी खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि सरकार 3 बार गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 320 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश के लिए करीब 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया गया है। इसमें मार्च से MSP पर गेहूं की खरीदी जारी है। प्रदेश में 21 मई तक 46.79 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। सरकार ने पहले गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 15 मई तय की थी, जिसे बढ़ाकर 20 मई किया गया था। फिर यह तारीख बढ़ाकर 31 मई निर्धारित की गई है। अब सरकार ने 25 जून तक गेहूं खरीदी का निर्णय लिया है। पिछले साल मध्य प्रदेश में MSP पर 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में 45 डिग्री से ज्यादा पारा। भोपाल में तापमान 44.4। आपको बता दें, भीषण गर्मी में राजधानी सहित समूचा सुबह भट्टी सा तप रहा है।
तमतमा रहा सूरज आसमान से आग बरस रहा है। भोपाल में गुरुवार को दिन का पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा रहा। इधर हालत यह है कि बीते एक पखवाड़े में चिलचिलाती धूप ने बड़ी झील को एक फीट से ज्यादा सुखा दिया। पानी किनारों को छोड़कर करीब 10 से 12 फीट आगे तक सिमट गया। प्रदेश में जहां गर्मी खेर बरपा रही है, वहीं आंधी बारिश का दौर भी जारी है। सुबह में 8 जिलों में तापमान जहां 45 डिग्री और उसके पार दर्ज हुआ, वहीं 10 जिलों में तापमान 44 और उससे ज्यादा रहा। इसी तरह 9 जिलों में तापमान 42 और 43 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। अगले दो दिन राजगढ़, बड़वानी, अशोकनगर, नीमच, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकला, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर में लू चल सकती है। दतिया, भिंड, निवाड़ी, धार और रतलाम जिलों में तीव्र लू चलने का अलर्ट है। छठे चरण का प्रचार खत्म, 25 को वोटिंग, 889 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का चुनाव शोर गुरुवार शाम को थम गया। छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इस चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल है। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में है। बताते हैं, सबसे ज्यादा प्रत्याशी हरियाणा में से चुनावी मैदान में है। हरियाणा की 10 सीटों के लिए 239 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी चुनाव चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लाडली बहना योजना, लाडली बहनों को अब मिलेंगे 3,000 रुपए। जानिए कैसे करें आवेदन। आपको बता दें, सरकार की ओर से किसानों के साथ ही महिलाओं के लिए बहुत ऐसी योजना चलाई जा रही है। इसमें लाडली बहना योजना महिलाओं के बीच लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के माध्यम से राज्य की लाडली बहनों को प्रति माह एक निश्चित धनराशि किस्त के रूप में उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। हाल ही में ही इस योजना को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये ऐलान इस योजना की प्रतिमा मिलने वाली किस्त की राशि को लेकर है। इसके अनुसार लाडली बहना योजना की राशि को 3,000 रुपए तक किया जा सकता है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक चुनावी सभा के दौरान यह बयान दिया था कि लाडली बहना योजना राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने चुनावी सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लाडली बहनों के खातों में हर महीने 1250 रुपए भेज रही है और इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक ले जाने वाले हैं। ऐसी उम्मीद है कि लाडली बहना योजना की राशि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि प्रदेश सरकार लाडली बहनों को मिलने वाली किस्त की राशि में बढ़ोतरी करती है या नहीं। अभी इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस योजना की राशि को बढ़ाने का आश्वासन अपनी चुनावी भाषण में प्रदेश की महिला को दिया है। कब आगी लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त महिलाओं के खातों में कब ट्रांसफर की जाएगी, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त की राशि प्रदेश की महिलाओं को 10 जून तक उनके खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। इससे पहले प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त निर्धारित तारीख से पूर्व ही 4 मई 2024 को लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर कर दी थी। इसी प्रकार लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त भी लाभार्थी महिलाओं 5 अप्रैल को उनके खातों में डाल दी गई थी। इस तरह 10 से लेकर 12वीं किस्त की राशि लाभार्थी बहनों को निर्धारित तारीख 10 से पहले प्राप्त हुई है। अब देखना होगा इस बार लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त की राशि प्रत्येक बहनों को जून में किस तारीख को जारी की जाती है। राजस्थान में 48.8 सेल्सियस टेम्परेचर, 8 की मौत। आपको बता दें, उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। गुरुवार को देश में सबसे गर्म शहर राजस्थान का बाड़मेर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में हीट वेव से 8 लोगों की मौत हो गई है। जैसलमेर से सटी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बीएसएफ ने इसका वीडियो भी शेयर किया। राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अहमदाबाद और गांधीनगर में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रात 10 बजे भी टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा। वहीं केरल में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।